बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल सेफ एंड साउंड इन योर होम्स। डियर स्टूडेंट्स, ओवर टुडेज टॉपिक यूनिट नंबर 3, द यंगेस्ट जीनियस अर्फाक्री। डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स। द यंगेस्ट जीनियस अर्फाक्रीम, नौ उम्र ज़हीन अर्फाक्रीम, यानी कि कम उम्र जो है अर्फाक्रीम की ज़हानत, ये अर्फाक्रीम की पिक्चर है। लेट्स स्टार्ट। अर्फाक्रीम वाज बोर्न इन 1995। अर्फाक्रीम 1995 में पैदा हुई। एट द एज ऑफ 9 ईयर्स, 9 साल की उम्र में, इन 2004 में, शी रिसीव्ड, उसको वसूल हुआ अ सर्टिफिकेट फॉर बीइंग द यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल MCP इन द वर्ल्ड। 2004 में 9 साल की उम्र में इसने MCP दुनिया में सबसे कम उम्र होने के नाते हासिल किया। शी केप्ट दैट टाइटल अनटिल 2008। उसने ये खिताब 2008 तक अपने पास रखा, यानी 2004 में मिला, 2008 तक अपने पास रखा। शी वॉज इन्वाइटेड बाई बिल गेट्स टू विजिट द माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स इन USA। बिल गेट्स ने इसको माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर USA में दौरे की दावत दी, यानी कि उसको बुलाया अपने मुल्क विजिट के लिए। ऑन रिटर्निंग टू पाकिस्तान, पाकिस्तान वापसी पर, अरफा वॉज गिवन अ वेरी वार्म वेलकम। अरफा करीम को बहुत जोश के साथ खैर मकदम किया गया, यानी कि उनको वेलकम किया गया। वेलकम का मतलब खैर मकदम करना। शी वाज इंटरव्यूड बाय ऑल द लीडिंग टेलीविजन चैनल्स। इसका इंटरव्यू अहम टीवी चैनल्स ने और अखबारात ने किया, एंड द न्यूज़पेपर्स, विच हाइलाइटेड, हाइलाइटेड का मतलब होता है उजागर करना, नुमाया करना। हर अचीवमेंट्स, उसके जो कारनामे, उनको नुमाया किया। इसका इंटरव्यू हर अहम टीवी चैनल और अखबारात में नशर किया गया, जिसमें इसके जो इसका जो कारनामा था उसको नुमाया तौर पर उजागर किया गया। इन अगस्त 2005 में अर्फा करीम रिसीव्ड द फातिमा जिना गोल्ड मेडल इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगस्त 2005 में उस वक्त के वज़ीर आज़म ने अरफा करीम को साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में फातिमा जिना सोने के तमगे से नवाजा। ठीक है बच्चों, गोल्ड मेडल होता है सोने का तमगा। अरफा करीम रिसीव्ड द फातिमा जिना गोल्ड मेडल, अरफा करीम को फातिमा जिना सोने का तमगा मिला इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रेजेंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, उनके हाथों से जो इसको ये तमगा मिला। शी ऑल्सो रिसीव्ड द सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड इन अगस्त 2005 फ्राम द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इसने 2005 में पाकिस्तान सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड सदर से तमगा हुस्न कारकर्दगी भी हासिल किया। अरफा करीम इज़ ऑल्सो द रेसिपिएंट ऑफ द प्रेसिडेंट्स अवार्ड फॉर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। वो बहुत ऊंचे दर्जे का अवामी इनाम है जो उन लोगों को दिया जाता है। हुस्न कारकर्दगी का ये उनको इनाम मिला। दिस इज़ वेरी हाई लेवल अवार्ड, ये बहुत ही ऊंचे दर्जे का इनाम है, ग्रांटेड टू पीपल, जो के दिया जाता है हु हैव शो, जो के उन लोगों को दिया जाता है एक्सीलेंस इन देयर फील्ड्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये बहुत ऊंचे दर्जे का अवामी इनाम है जो उन लोगों को दिया जाता है जिन लोगों ने अपने शोबे में बहुत आला काम एक लंबे अरसे तक किया हो। ये नहीं है कि मतलब कर लिया और ख़त्म, बहुत लंबे अरसे तक एक ही पोजीशन में आपकी पोजीशन रही हो और आप उसको अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं और वो बहुत ही आला काम जो है वो सुपर्ब माना जा रहा है एक लंबे अरसे के लिए, तो उसको ये तमगा दिया जाता है।
परफॉर्मेंस, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और ये बहुत ही क्या है, ऊंचे दर्जे का इनाम है। अरफा इज अनटिल नाउ द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द अवार्ड। अरफा अब तक सबसे कम उम्र लोगों में से है जिसने ये इनाम हासिल किया, यानी कि जिस इनाम का हम अभी जिक्र कर रहे हैं तमगा हुस्ने कारकर्दगी का, ये सबसे आला अवार्ड है और कम उम्र लोगों में सबसे जो कम उम्र है वो अरफा करीम है जिसको ये अवार्ड मिला है। अरफा करीम ऑल्सो रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एट वेरियस इंटरनेशनल फॉर्म्स। अरफा करीम ने मुख्तलिफ बैन अलावी फॉर्म्स में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। शी वॉज इन्वेंटेड बाई द आई टी प्रोफेशनल्स ऑफ दुबई फॉर अ स्टे ऑफ 2 weeks इन दुबई। इसको दुबई के पेशावर आई टी ने भी 2 हफ्ते तक क्याम की दावत दी, यानी कि अपने पास रुकने की दावत दी। अ डिनर वॉज होस्टेड फॉर हर देयर, उसके लिए वहाँ पर क्या किया गया, खाने का एहतमाम किया गया। ड्यूरिंग दैट ट्रिप अरफा वॉन मैनी मेडल्स एंड अवार्ड्स, इस सफ़र के दौरान अरफा ने कई मेडल और इनामात हासिल किए। शी ऑल्सो फ्लू अ प्लेन इन अ फ्लाइंग क्लब इन दुबई एट द एज ऑफ 10। उसने 10 साल की उम्र में दुबई के फ्लाइंग क्लब में हवाई जहाज़ भी उड़ाया एंड रिसीव द फर्स्ट फ्लाइट सर्टिफिकेट, और पहला फ्लाइट सर्टिफिकेट भी हासिल किया। आप अंदाज़ा लगाएं बच्चों, एक छोटी सी बच्ची जो कि सिर्फ 9-10 साल की है, अब आप लोग क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, मोस्टली बच्चे 10 ईयर्स के होते हैं 5 क्लास में, अब आप अंदाज़ा लगा लें आप कि अरफा करीम बिल्कुल आप ही की एज की थी, चूँकि अभी वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, अभी आगे आप पढ़ेंगे, बिल्कुल आपकी उम्र की थी 10 साल की। आप इमेजिन करें, आप अपने आप को इमेजिन करें कि आप इतने सारे मेडलिस्ट अब तक हासिल कर चुके हों और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हों और जो है जहाज़ भी उड़ा चुके हों, ये सब फ्लाइट जो है वो जो पहली फ्लाइट ले चुके हों, आप अंदाज़ा लगाएं अपनी एज से, तो कितनी छोटी वो बच्ची थी जिसने ये इतनी कम उम्र में सब कुछ हासिल किया एंड रिसीव द फर्स्ट फ्लाइट सर्टिफिकेट, पहला जो है पहला फ्लाइंग सर्टिफिकेट भी उसको मिला। इन नवंबर 2006 अरफा वाज इन्वेंटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट सेशन इन द टेक एंड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड ब्रेकुलंडा। नवंबर 2006 में अरफा को माइक्रोसॉफ्ट ने एक अहम अजलास टेक एंड कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने के लिए बार्सिलोना बुलाया, ठीक है, ये जगह का नाम है बार्सिलोना। नवंबर 2006 में अरफा को माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक अहम इजलास के लिए उसको बार्सिलोना बुलाया गया। द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज, इस कॉन्फ्रेंस का मजमून था गेट हेड ऑफ द गेम, यानी कि आगे चलते हैं, शी वाज द ओनली पाकिस्तान इन दैट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, गेट हेड ऑफ द गेम। अब आप अंदाज़ा लगाएं टाइटल कितना स्ट्रॉन्ग है, द गेट हेड ऑफ द गेम, द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस का मजमून था गेट ए हेड ऑफ द गेम, और इस कॉन्फ्रेंस में वो वाहिद पाकिस्तानी शिरकतकार थी, यानी कि शी वाज द ओनली पाकिस्तान इन दैट कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस में वाहिद अकेली यही पाकिस्तानी थी, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे आप इसको सुपर माइंड भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इन 2011 एट द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र में, 2011 में 16 साल की उम्र में अरफा करीम वाइल स्टडिंग एट लाहौर, जब वो लाहौर में पढ़ रही थी, फेल इल एंड पास्ड अवे ऑन जनवरी 14, 2012, यानी कि वो 2011 में 16 साल की उम्र में लाहौर में पढ़ रही थी और वो जनवरी 14 जनवरी 2012 को वफात पा गई, इस दुनिया से चली गई, लिविंग स्ट्रॉन्ग मेमोरीज बिहाइंड, अपने पीछे बहुत ही मजबूत यादें छोड़ के वो इस दुनिया से कूच कर गई। शी हैड गिवन अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान दैट दे मस्ट फॉलो हर फुटस्टेप्स टू अचीव सक्सेस इन देयर लाइव्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्या है कि उसने पाकिस्तानी तुलबा के लिए एक बहुत अहम पैगाम छोड़ा है कि आप कोई भी वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी कामयाबी के लिए मेरे नक्शे कदम पर चलो, ठीक है।
दे मस्ट फॉलो हर फुट स्टेप्स, उसके नक्शे कदम पर चला जाए टू अचीव अ सक्सेस इन देयर लाइव्स विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। अरफा करीम का ये मैसेज उसने डायरेक्ट तो नहीं दिया, लेकिन उसका उसकी ज़िंदगी और उसका यहाँ से चले जाना, दुनिया से कूच कर जाना, तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज था कि उसके नक्शे कदम पर चला जाए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये लेसन पढ़ा, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि अरफा करीम कितनी ज़हीन थी और कितनी कम उम्री में उन्होंने किस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें, और आप ही में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे और बहुत बहुत ज़्यादा आगे आएंगे, जैसे कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आर्मी में चले जाएंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डॉक्टर बनेंगे, कुछ टीचर बनेंगे, कुछ इंशाल्लाह बैंकिंग में जाएंगे। तो आप ही जो हैं पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि आप लोग भी कम एज से अगर अपना माइंड बनाते हैं तो आप बहुत जल्दी कम उम्र में बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद इट्स मीनिंग इन कॉलम बी। मीनिंग के साथ हमने इसको मैच करना है। प्रोफेशनल का मीनिंग होगा हैविंग रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट। पास्ट वे का मतलब होता है ना फौत हो जाना, डेड। जर्नी, जर्नी बोलते हैं सफ़र को, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। टेक्नोलॉजी, द रिजल्ट ऑफ साइंस साइंटिफिक नॉलेज। फॉर्म्स, अ प्लेस सिचुएशन अ ग्रुप इन विच पीपल एक्सचेंज आइडियाज एंड डिस्कस इश्यूज। जीनियस, हाई टैलेंटेड क्रिएटिव और इंटेलिजेंट पर्सन। ये आप मैच कर लें मेरे साथ साथ। देन ईच स्टेटमेंट बिलो कंटेन्स इन इनकम्प्लीट वर्ड एड बी आर सी आर डी आर एंड और एन टी टू कम्प्लीट द वर्ड। इनको कम्प्लीट करने के लिए आपने ये वर्ड्स यूज़ करने, डी आर सी आर एन डी और एन टी। शी रिसीव्ड द सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड बाय द प्रेजिडेंट, तो एन टी आएगा, एन टी। अरफा करीम इज़ द रिसिप्टेंट, ई एन टी आएगा, ऑफ द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड। देयर इज़ अ ह्यूज डैश एक इन द वॉल, क्या आएगा, सी आर ए सी के क्रैक, यहाँ आएगा सी आर। देयर इज़ अ ह्यूज क्रैक इन द वॉल, ये आएगा सी और फिर आर। द म्यूज़िक, यहाँ पे आएगा एंड, बैंड बन जाएगा, द म्यूज़िक बैंड प्लेड ऑल नाइट। अरफा वाज इन्वाइटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट टू बी अ पार्ट ऑफ एन इम्पॉर्टेंट, यहाँ आएगा एन टी, इम्पॉर्टेंट सेशन। द, यहाँ आएगा बी आर, ब्रेव गर्ल बिकम फेमस। हर डॉक्टर गेव हर बेस्ट ट्रीटमेंट, एन टी आएगा ट्रीटमेंट। आई हैड अ बैडर, ये आ जाएगा बैड ड्रीम लास्ट नाइट, डी आर आ जाएगा ड्रीम। आई हैड अ बैड ड्रीम लास्ट नाइट। द ट्री वॉज बेंड टू द ग्राउंड। द बॉल क्रेज्ड ऑन द ग्राउंड, क्रैश्ड, सी आर आएगा, सी आर ए एस एच ई डी, क्रैश। द बॉल क्रैश्ड ऑन द ग्राउंड। She had given a strong message for every student. यहाँ आएगा ENT, student. The sailors finally saw land, L-A-N-D, land. उसके बाद इधर आ जाएं। Fill in the blanks with the right form of verb in the brackets. Use the simple present tense. ये आपको ऑप्शन दी गई है फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें से करेक्ट चूज करनी है। The dash world wide fame at a very young age. यहाँ आएगा receives. ये आप यहाँ लिख देंगे। She dash her money in her pocket. Keeps. She keeps her money. यहाँ पे आएगा keeps. KEEPS. साथ साथ लिखते जाएं, ऊपर आएगा receives. 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 उसके बाद है I dash up early in the morning. Get या gets. इसमें आएगा get. 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 I get up early in the morning. इधर आपने टिक भी लगाना है। She dash playing with doll. Like या likes. Likes. She likes playing with dolls. The girls dash a game, play. The girls play a game. The children dash to their teacher. Talk, talks, talk आएगा, T-A-L-K, talk. The children talk
देयर टीचर्स. माई मदर डैश नाइस मील कुक्स. माई मदर कुक्स नाइस मील. द कैट डैश अ माउस चेजिज. सी एच ए एस सी एस चेजिज. यहाँ पर टिक मार्क करें चेजिज. शी डैश इन अफ्रीका लिव या लिव्स. लिव्स एल आई वी ई एस लिव्स. शी लिव्स इन अफ्रीका. यू डैश एन अदर बुक नीड. यू नीड एन अदर बुक. अंडरलाइन द सिंपल प्रिडिकेट इन ईच सेंटेंस. प्रिडिकेट को हम वर्ब को भी प्रिडिकेट बोलते हैं. यहाँ वर्ब को हम अंडरलाइन करेंगे. रिसीव्ड स्टेड. ठीक है. शी स्टेड इन दुबई फॉर टू वीक्स. अरफा करीम रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स. रिसीव आ जाएगा. द बेकर सेल्स चॉकलेट केक. इसमें सेल्स आ जाएगा. जमील लॉस्ट द बाइक रेस. लॉस्ट आ जाएगा. महमूद रिपोर्ट हिज फंटास्टिक रिपोर्ट आएगा. यहाँ पे द फॉक्स केम टू द ट्री. केम आ जाएगा. को अंडरलाइन करेंगे. द यू आर माई गुड फ्रेंड. यू आर माई गुड फ्रेंड. गुड आ जाएगा. अहमद इज ड्रीमिंग ऑफ अ ट्रिप. तो ये ड्रीमिंग अंडरलाइन करें. शी हैज़ ड्रॉन कलरफुल पिक्चर्स. ड्रॉन आ जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, आपने इसकी रीडिंग अच्छे तरीके से करनी है और एक्सरसाइज को फिल करना है और इसका कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है. रीडिंग अच्छे तरीके से करनी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टास्क के साथ फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.